नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अपडेट्स के अंतर्गत जून 2023 का करंट अफेयर। इससे पहले हमने करंट अफेयर की सीरीज में जनवरी फरवरी यानी जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर मंथली आपके सामने रखा हुआ है, और ये जून 2023 और फिर उसके बाद का वीडियो हमारा जनवरी से लेकर जून यानी पिछले 6 माह का करंट अफेयर एक बड़े वीडियो में आपके सामने होगा। ठीक इसी प्रकार हमने उत्तराखंड में भी पिछले 6 माह का करंट अफेयर एक वीडियो में कवर किया था। और चलिए फटाफट टॉप 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे जून 2023 के भारत के करंट अफेयर के अंतर्गत। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर नेशनल करंट अफेयर 2023 जून, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिक समानता एनुअल रिपोर्ट है अर्थात जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों में भारत की रैंक क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF कहते हैं इसे, विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक लैंगिक समानता रिपोर्ट है या जेंडर गैप रिपोर्ट है 2023 की, टोटल उसमें 146 देश शामिल है विश्व के, उसमें भारत की पोजीशन क्या है पूछा है। तो इस बार भारत की पोजीशन में थोड़ा सा सुधार आया है और भारत की स्थिति है 127। तो 2022 में अगर भारत की रैंक पूछेगा तो यहां पर 135वीं थी, यानी पिछली बार की जो टोटल इंडेक्स रिपोर्ट है हमारी, हमने एक वीडियो डाला था इससे संबंधित एक, तो वहां पर भी शायद इसका जिक्र हुआ होगा। तो 2022 में विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में भारत का स्थान 135वां था, लेकिन इस बार थोड़ा सुधार हुआ है, 8 अंक का सुधार हुआ है, 127वीं रैंक है इसकी। और प्रथम स्थान पर विश्व में आइसलैंड यूरोपीय देश, क्लियर हुआ होगा आपको विश्व आर्थिक मंच कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है, तो WEF विश्व आर्थिक मंच करता है। और लैंगिक समानता रिपोर्ट एक टोटल 146 देश, भारत की पोजीशन 127वीं, 2022 में भारत की पोजीशन 135वीं, पहले स्थान पर विश्व में आइसलैंड यूरोपीय देश। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आ रहा है वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP कहते हैं हम जिसे, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2022-23 में कितने की वृद्धि हुई है, तो इसका आंसर है 7.2। इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन होता है और करंट का भी, तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2022-23 में कितने की वृद्धि हुई है, तो 7.2%। अच्छा सा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्वेश्चन है सब, और आपको बहुत जरूरी है कि इस पार्ट को भी आपको देखना पड़ेगा एग्जाम से पहले। अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात विपरजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया है। आपको पता है ये नाम अल्फाबेटिकली होते हैं, और अरब सागर से लगे हुए जो देश होते हैं अधिकतर उनसे, उन देशों द्वारा इनका नाम दिया जाता है, तो इस बार विपरजॉय नाम दिया है बांग्लादेश। हालांकि ये देश बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, वैसे तो नियम ये है कि विश्व के महासागरों और सागरों में जो तटीय देश हैं उन देशों द्वारा इनके नाम दिए जाते हैं, तो इस बार ये नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया विपरजॉय। अरब सागर आजकल काफी सुर्खियों में विपरजॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ के मध्य ग्लोबल गेटवे सम्मेलन GG सम्मेलन के नाम से फेमस है का आयोजन कहां किया जाना प्रस्तावित है। भारत से संबंधित प्रश्न, भारत और यूरोपीय संघ, तो इसका आंसर है मेघालय में किया जाना प्रस्तावित हुआ है। उद्देश्य क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं उनका अपने पड़ोसी देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करना और व्यापारिक संबंध बढ़ाना, इसमें यूरोपीय संघ हमारी मदद कर रहा है कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना उनका उनके पड़ोसी देशों के साथ कैसा व्यवहारिक व्यापारिक और आर्थिक मंच साझा किया जाए, उसके लिए ग्लोबल गेटवे सम्मेलन प्रस्तावित है, मेघालय में होना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है। भारत के जो बड़े राज्य हैं उसमें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर है केरला, और छोटे राज्यों में पहला स्थान पूछता है तो गोवा। मैंने कहा था ये उत्तराखंड से संबंधित वीडियो भी था, उत्तराखंड इस बार थोड़ा सा पीछे है, 11वां स्थान मिला है उसे और भारत के टोटल राज्य में, और पहले स्थान पर केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
26 जून यानी सोमवार को 18वीं युवरानी महेंद्र कुमारी राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित की गई है। ये 18वीं नंबर की है और 26 जून और 27 जून के मध्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ये आयोजित की गई है। यानी उत्तराखंड से भी संबंधित क्वेश्चन था, उत्तराखंड के करंट अफेयर भी ये नहीं आ पाया था क्योंकि ये 26 जून के बाद का क्वेश्चन था, इस वजह से इसलिए इसको यहाँ भी अपडेट किया गया और उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण फोर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जानी प्रस्तावित हुई है। तो सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण फोर नाम से एक नई जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाना है, तो नेपाल, भारत के पड़ोसी देश। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में मो घर आवास योजना, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है वैसे राज्यों में भी चलती रहती है, तो यहाँ पर किस राज्य में मोघर आवास योजना प्रारंभ की गई, अगर प्रश्न पूछता है तो उड़ीसा में, उड़ीसा की योजना है मोघर आवास योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। अच्छा सा प्रश्न है, देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति तो यह है लातविया, यूरोपीय देश लाटविया के समलैंगिक राष्ट्रपति एडवर्ड रिंकेविक्स। नेक्स्ट, हाल ही में ओमान में आयोजित, ओमान भारत के पड़ोसी देशों में, खाड़ी के देशों में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन सी रही है, मतलब जूनियर एशियाई हॉकी कप कहाँ हुआ है, तो ओमान में हुआ है और वहाँ की पुरुष विजेता टीम पूछी गई है, तो इसका आंसर है भारत। अच्छा सा प्रश्न था, इस वजह से ही क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 21 जून 2023 को नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था ये, कि थीम क्या थी, अगर ऐसा प्रश्न आए तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ये इसकी थीम है, 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र जून 2023 के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है। 2023 जून में 78वां अधिवेशन हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासभा का, तो उसके जो अध्यक्ष रहे हैं डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है, तो त्रिनिदाद और टोबैगो, मध्य अमेरिकी देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, वैसे दक्षिण अमेरिका के भूभाग के अंतर्गत आता है इसका भाग, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से मध्य अमेरिका में दिखता है, भारत वंशियों का देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, तो उसी के डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद और टोबैगो ही से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये भारत के स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है, तो गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैकासी विसाकस उत्सव आयोजन का आयोजन कहाँ हुआ है, कुछ क्षेत्रीय उत्सव हैं कहीं ना कहीं, तो ये तमिलनाडु का उत्सव है, वैकासी विसाकस उत्सव। नेक्स्ट आ रहा है, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसका आंसर है अफ्रीकी देश कोटे डी आइवरी या आइवरी द कोस्ट कहते हैं हम जिसको, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस का 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम विश्व स्तर पर हुआ है अफ्रीकी देश कोटे डी आइवरी या आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर हिंसा की जांच, मणिपुर में जो हिंसा अभी भी चली रही है, काफ़ी सुर्खियों में था ये मामला भारत में, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है, तो अजय लांबा, डायरेक्ट क्वेश्चन है फिलहाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा, मतलब किस संस्थान का है पूछा है, तो IIT मद्रास को मिला हुआ है शीर्ष स्थान भारत में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एक था अभ्यास प्रारंभ किया है, मतलब एक था अभ्यास भारत और किस सेना, किस देश की नौसेना के मध्य हुआ है, तो मालदीव पड़ोसी देश, नौसेना का अभ्यास है संयुक्त अभ्यास एक था
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है? भारत में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दो योजनाएं शुरू की गई, यहाँ पर कोई ऑप्शन के साथ नहीं है, सीधा अमृत धरोहर योजना चलाई है और मिष्टी योजना चली है, क्योंकि इस बार के बजट में भी इनका जिक्र था इसलिए ये योजनाएं शुरू कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं एशियाई U20 यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 20वें नंबर की है, एशियाई है, यू फॉर यूथ है और U20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दक्षिण कोरिया, एशियाई देश दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, आपको पता है 5 परमानेंट सदस्य तो हैं लेकिन जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल बदलता रहता है और नए सदस्य दो साल में आते रहते हैं, तो ये के रूप में कौन सा देश चुना गया है? तो उपयुक्त सभी ये नए देश बने, अल्जीरिया, अफ्रीकी देश, गुयाना और कोरिया, ये सभी नए देश शामिल हुए अस्थायी सदस्य के रूप में, मतलब जो 10 अस्थायी सदस्य उसमें 3 शामिल यहाँ पर जो नाम है अल्जीरिया, गुयाना और कोरिया शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन है जहाँ पर वर्चुअल स्कूल को मान्यता मिल गई है? वह है राजस्थान। भारत में राजस्थान एक पहला राज्य बन चुका है जिसने वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्रदान कर दी है। अच्छा सा प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना FDI निवेश प्राप्त हुआ है? FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं हम जिसे, तो लगभग $46 बिलियन मिला हुआ है RBI की रिपोर्ट कहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में नाटो का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? रूस और यूक्रेन के युद्धों के मद्देनजर नाटो काफ़ी सुर्खियों में है और नाटो का गठन 1949 में तब किया गया मित्र देशों के द्वारा जब सोवियत संघ यानी USSR ने वारसा का गठन कर दिया था, वारसा, और वारसा का गठन 1948 में हुआ था और उसी के विपक्ष में जो मित्र देश थे पूंजीवादी देश अमेरिका, तो उसने 1949 में नाटो का गठन किया और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब उत्तरी अटलांटिक से लगे हुए सारे देश का संगठन, आज काफ़ी सुर्खियों में नाटो और सारे मित्र देश इसके सदस्य बन रहे हैं। तो उनका एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में हुआ है, आपको पता है यूरोप में जर्मनी एक महत्वपूर्ण देश है, तो अभी नाटो के सदस्य के रूप में ये सभी लोग शामिल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किस देश ने किया है? तो चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 टेस्ट क्रिकेट, विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, उपविजेता टीम है भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेयोन ज्वालामुखी, मतलब माउंट मेयोन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, तो ये कहाँ सक्रिय है? तो फिलीपींस का है ज्वालामुखी। करंट में जो भी सुर्खियों में रहता है प्रश्न वहां से बनने के पूरी चांसेस रहते हैं, इसलिए फीफा फुटबॉल U20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? फुटबॉल की U20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम, उपविजेता टीम पूछी है इटली और इसका विजेता है उरुग्वे, दक्षिण अमेरिकी देश। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में पहला फर्स्ट खेलो इंडिया जनजाति खेल महोत्सव, ध्यान रखिएगा खेलो इंडिया तो अलग से है, यहाँ पर जनजाति महोत्सव है का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में राष्ट्र या देश का पहला खेलो इंडिया जनजाति महोत्सव June 2023 उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, हर साल जो विंबलडन होते हैं उसमें फ्रेंच ओपन यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है, और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है पूछा है? तो पोलैंड की खिलाड़ी इगा स्वितेक ने जीता है, है ना, फ्रेंच ओपन का पूछा है, ध्यान रखना आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन दोनों याद रखने हैं अभी फिलहाल, और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन लास्ट में। तो इसमें महिला एकल वर्ग का खिताब, अगर पुरुष एकल वर्ग का खिताब पूछता है तो नोवाक जोकोविच,
तो अब हमारा क्लियर है कि फ्रेंच ओपन इसमें महिला ने किसका किसने जीता, तो इगा स्वीतेक पोलैंड की, और पुरुष एकल में किसने जीता, नोवाक जोकोविच चेक गणराज। चलिए नेक्स्ट आ रहा है भारत मालदीव, फिर से आया है एक प्रश्न मालदीव का। भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन कहाँ आयोजित किया गया या जा रहा है या गया है? अब भारत मालदीव पड़ोसी देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थापित किया गया है। अल्मोड़ा, ये हमने उत्तराखंड के करंट अफेयर में भी देख लिया था। एक्वेरिन, भारत और मालदीव अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। नेक्स्ट है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कहाँ है जवाहरलाल नेहरू के नाम से, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है? तो यह है नई दिल्ली में, पंडित जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल दिया गया है, तो इसका नाम रख दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं, पद्मश्री, पद्म भूषण और विभूषण को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? अच्छा सा प्रश्न है फिर से, तो ये है हरियाणा। पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा हुई है? तो यह है गीता प्रेस गोरखपुर, काफी सुर्खियों में चल रही है आजकल ये टॉपिक, ये प्रश्न 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो गीता प्रेस गोरखपुर। क्वेश्चन है नेक्स्ट हाल ही में रॉ, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा, इंटेलिजेंस एजेंसी के रॉ के नए प्रमुख रवि सिन्हा बने हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा हेतु किस साहित्यकार को युवा पुरस्कार 2023 दिया है? तो साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार 2023 किस रचना के लिए दिया है? तो चांदपुर की चंदा, और हिंदी उपन्यास है तो किसको दिया है? तो अतुल कुमार रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हाल ही में चर्चा में रहा जोहा किस फसल की किस्म है? जोहा जो फसल चर्चा में है कि प्रोडक्टिविटी की वजह से बहुत अच्छा अच्छी फसल माना जाता है इसे, असम की खासकर है, असम भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी खूब उत्पादन हो रहा है इसका, तो यह है चावल की किस्म। हाल ही में चर्चा में रही जोहा चावल की किस्म है, और असम का जोहा चावल बहुत प्रसिद्ध है, उत्पादन अच्छा है, और दूसरा प्रोडक्टिविटी अच्छी है, और तीसरा कि इसमें बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो अन्य चावल्स में नहीं है, इस वजह से काफी सुर्खियों में चल रहा है। चलिए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया है? चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया है। नेक्स्ट खेल से संबंधित क्वेश्चन है भवानी देवी तलवारबाजी चैंपियनशिप चीन में हुई है, भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप जो कि चाइना में आयोजित की गई थी कौन सा मेडल जीता है? भारत की है तो ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पीएम किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत सरकार ने लॉन्च किया, अभी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, किसान मोबाइल ऐप, वह सब कृषि मंत्री करेंगे, वैसे भी किसान ऐप था। तो मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, 54वां टाइगर रिजर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की वैश्विक लवेबिलिटी इंडेक्स में विश्व में शीर्ष शहर कौन सा है? विश्व के शीर्ष शहरों के इंडेक्स है ये, तो इसमें ऑस्ट्रिया, यूरोपीय देश, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, इसे विश्व में शीर्ष शहर घोषित किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक लवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ यानी नील नदी के नाम से हुआ नाइल, तो यह है मिस्र, मिस्र की यात्रा की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है।
हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव है, ध्यान रखिएगा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहां किया गया है, तो कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव, वितस्ता वैसे हिस्ट्री के हिसाब से झेलम नदी को कहते हैं, का आयोजन कहां हुआ है पूछ रहा है, तो झेलम यानी कश्मीर, इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास का आयोजन कहां किया है, भारतीय वायुसेना का अभ्यास है रणविजय, तो इसका आयोजन किया गया प्रयागराज उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023, विशेष लिखा हुआ है वैसे ओलंपिक नहीं, तो विशेष ओलंपिक के मतलब विशेष लोगों के लिए होते हैं, कौन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो बौद्धिक दिव्यांग होते हैं, बौद्धिक दृष्टिकोण से दिव्यांग है, उनके लिए है 16वां विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहां किया गया, तो जर्मनी, तो 16वां आयोजन बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन में हुआ है और भारत ने कुल 202 पदक जीते हैं इसमें, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि 16वां विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 जर्मनी के बर्लिन में हुए हैं और विशेष ओलंपिक किसके लिए है, तो बौद्धिक दिव्यांगों के लिए, भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 202 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है, तो दुनिया का सबसे पहला देश है अमेरिका, तो दूसरा चीन के बाद भारत बन चुका है, ये करंट का क्वेश्चन एकदम, राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत बन चुका है अमेरिका के बाद, चीन को पछाड़कर। नेक्स्ट, हाल ही में हेमी सत सेचू महोत्सव, ये जो क्षेत्रीय स्तर के महोत्सव हैं काफी सुर्खियों में रहते हैं, का आयोजन कहाँ किया गया है, तो लद्दाख का है महोत्सव। हाल ही में किस राज्य ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन प्रारंभ किया है, मतलब किस राज्य ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन प्रारंभ किया है, तो यह उत्तर प्रदेश ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया है। तो ये थे जून 2023 की खास खास महत्वपूर्ण टॉपिक, आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके बाद की जो हमारा वीडियो होगा वो जनवरी से लेकर जून का एक कंप्लीट वीडियो होगा जो भारत के करंट अफेयर्स को कवर करेगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही, जय हिंद, जय उत्तराखंड।